नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग पर आई सरकार की नई अधिसूचना की खबर के साथ। अब ऑनलाइन जुएबाजी और सट्टेबाजी पर भारत में बैन लगने वाला है। सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किए जो सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले किसी भी खेल को प्रतिबंधित करते हैं। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि कोई भी ऑनलाइन गेम जो पैसे से संबंधित हैं और जिसमें दाव लगाना शामिल है उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों के अंतिम प्रारूप पर अभी काम चल रहा है। पैसा इकट्ठा करने वाले ऑनलाइन गेम के लिए केवाईसी मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा। दाव लगाने या सट्टेबाजी में शामिल ऑनलाइन गेम नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के दायरे में आएंगे। इनमें कई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे और इनमें उद्योग समेत सभी हितधारकों की भागीदारी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी सलाह दी है कि वो सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से परहेज करें। और घरेलू गैस कीमतों पर सरकार की नई नीति के तहत पीएनजी सीएनजी के दाम में कमी आएगी। कैबिनेट ने ये फैसला किया है। शनिवार से सीएनजी पीएनजी गैस सस्ती हो जाएंगी। पीएनजी गैस करीब 10% सस्ती होगी तो सीएनजी गैस 6-9% तक सस्ती होगी। देश में नेचुरल गैस की कीमत को तय करने की जो मौजूदा प्रक्रिया है उसको बदलने का एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने किया है। अब तक भारत में जो नेचुरल गैस की कीमत है वो चार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो नेचुरल गैस की कीमत होती थी उसके आधार पर भारत में नेचुरल गैस की कीमत तय की जाती थी और ये 6 महीने के लिए तय की जाती थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अब बदलने का फैसला किया गया है और अब ये तय किया गया है कि भारत में जो नेचुरल गैस की कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो भारत कच्चे तेल का आयात करता है उसकी जो महीने की औसत कीमत होगी उसका 10% पर फिक्स किया जाएगा जो नेचुरल गैस की कीमत है भारत में। और इसका सीधा असर ये होगा कि देश में पीएनजी और सीएनजी सस्ती हो जाएंगी। पेट्रोलियम सचिव ने यह कहा है कि इस फैसले को लागू करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसके बाद शनिवार से जो नई प्राइसिंग पॉलिसी है नेचुरल गैस की उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम सचिव ने कहा है कि इस फैसले के लागू होने के साथ ही जो भारत में पीएनजी की कीमत है अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में वो करीब 10% तक सस्ती हो जाएंगी जबकि जो सीएनजी है उसकी कीमतें 6-9% तक सस्ती हो जाएंगी, जो निश्चित तौर पर महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। और जो लोग पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं या सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत की खबर है। शनिवार से जब ये नई कीमतें लागू होंगी तो पीएनजी उपभोक्ता हो या सीएनजी उपभोक्ता हो उनको निश्चित तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकली, कहीं पुलिस की इजाजत के साथ तो कहीं बिना पुलिस के इजाजत के। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कुल मिलाकर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ही पूरा हुआ। खासतौर से नजर बनी हुई थी दिल्ली के जहांगीरपुरी पर जहां बीते साल आज ही के दिन हिंसा हुई थी। गाजा बाजा भी और डीजे भी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुछ इस तरह विश्व हिंदू परिषद ने श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। बीते साल जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर निकल रही शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, इसलिए इस बार दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के साथ बामुश्किल 100 से 200 मीटर की ही शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी। नतीजा ये कि सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते साल हिंसा हुई थी, इसलिए इस बार चाहे रामनवमी रही हो चाहे हनुमान जयंती, दिल्ली पुलिस ने मुश्किल से ही सही लेकिन शोभा यात्रा निकालने की इजाजत जरूर दी। हालांकि शोभा यात्रा का रूट छोटा ही रखा जिसकी वजह से एक तरफ कानून व्यवस्था भी बनी रही तो वहीं दूसरी तरफ शोभा यात्रा भी जरूर निकली। 2020 में जिस उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए वहां से भी बिना पुलिस की इजाजत के 11 शोभा यात्रा निकाली गई। लाउडस्पीकर पर तेज उत्तेजक गाने भी बजाए गए पर आपसी तालमेल और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी के चलते सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। दिल्ली पुलिस ने अमन
कमिटीज के साथ मीटिंग की और कहा कि मस्जिदों को भी सेंसिटाइज किया जाए, वहां पर जो मौलाना है वो लोगों को बताएं कि जब शोभा यात्रा निकाली जाए तो जो लोग वहां मौजूद हैं उनको शांत रखें, उत्तेजित ना हो जाएं, और जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उनको भी कहा गया कि मस्जिदों के बाहर से गुजरें तो ऐसा कोई नारा ना लगाएं जिससे माहौल खराब हो। आयोजक भी भक्तों को समझाते रहे कि भक्ति में मस्त रहें पर दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें। मेरी यही अपील है जितने भाई हैं खूब जोश से यात्रा निकालें, खूब अच्छे से यात्रा निकालें, लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान रखें। ऐसा ना हो कि हम किसी के धर्म का अपमान करें, लेकिन उनको भी हमारे धर्म का सम्मान करना ही पड़ेगा। मुंबई में MNS ने हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जयंती मनाई। हम यहाँ पर दादर में हैं और हम देख रहे हैं कि दादर के इस मंदिर में MNS की तरफ से महाआरती और हनुमान चालीसा रखा गया है, और इसी तरह मुंबई के और महाराष्ट्र के जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में अलग अलग समय पे आरतियाँ रखी गई हैं, हनुमान चालीसा का पठन होगा, तो बड़ी संख्या में लोग इस दौरान मंदिर में आते हैं, हनुमान जी को के चरणों में पढ़ते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं और हनुमान चालीसा का पठन करते हैं, तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये जो पर्व है उसे मनाएं सभी लोग, और शहर में शांति बनी रहे इसीलिए पुलिस ने जितने भी इस तरह के संवेदनशील पुलिस थाने हैं खासकर के मुंबई के, उनको कहा गया है कि सतर्क रहें और अलर्ट रहें, और लोगों से भी अपील की गई है कि वो शांति से अपना ये पर्व मनाएं, सद्भावना से अपना ये पर्व मनाएं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हनुमान जयंती के मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती में पर्व मनाया गया। देश के कोने कोने पर हनुमान जयंती का शोभा यात्रा निकल रहा है, लेकिन कोलकाता हावड़ा पश्चिम बंगाल में कड़ी सुरक्षा के साथ हनुमान जयंती का शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। पूरे रूट पर पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है, पुलिस तैनात किया गया है, और न सिर्फ रूट पर हर बिल्डिंग के छत पर भी पुलिस रखा गया है ताकि कोई हिंसा का घटना ना घटे। त्योहार और पर्व किसी भी धर्म के हों, खुशी मनाने और बांटने का ही संदेश देते हैं, लेकिन उपद्रवी तत्व रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। शुक्र है हनुमान जयंती शांति से निकल गई। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, मुंबई से सुनील सिंह, कोलकाता से सौरभ गुप्ता के साथ दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया। आर्थिक राजधानी मुंबई में 100 कोविड मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, उनमें से 20 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पॉजिटिविटी रेट 14% तक जा चुकी है। ऐसे में मुंबई के कुल 24 वार्ड में फिर से एक बार कोविड वॉर रूम को एक्टिवेट कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के हर वार्ड में कोविड वॉर रूम फिर से एक्टिव हुए हैं। कोविड बेड मैनेजमेंट, मरीजों की काउंसलिंग, ये सारा जिम्मा यही संभालते हैं। फिलहाल बिना लक्षणों वाले मरीज ज्यादा हैं। स्लम और बिल्डिंग हर जगह से मरीज दिख रहे हैं। इस बार ऑन एन एवरेज 10-11 केसेस पर डे आ रहे हैं साउथ वार्ड में, और पेशेंट्स को भी वॉर रूम से डॉक्टर खुद काउंसलिंग करते हैं, फ़ोन करके उन्हें क्या तकलीफ है, क्या मेडिसिन उन्होंने लिए हैं, और उनको और कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है क्या, जो भी उनको डाउट्स है, क्वेश्चंस है, हेल्प चाहिए, वो सब वॉर रूम से उनको दिया जाता है। और रैंडमली आ रहे हैं, स्लम से भी आ रहे हैं और नॉन स्लम से भी आ रहे हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी दर 11% से ऊपर है। लोगों में टेस्टिंग को लेकर हिचक है, इस वजह से टेस्टिंग कम है और पॉजिटिविटी ज्यादा दिखती है। शहर की 15% जनसंख्या ने ही बूस्टर डोज ली है, ये भी BMC के सामने बड़ी चुनौती है। दोनों चीज है, दोनों एस्पेक्ट है कि अगर टेस्टिंग आप करवा ले फिर होम आइसोलेट होना पड़ता है, और फिर अलग से उनका जो फॉर एग्जांपल ऑफिस आवर्स ये होते हैं। लेकिन BMC की तरफ से हम लोग जो हमारे हेल्प पोस्ट है, हमारा जो हम लोग लोगों को अवेयरनेस यही क्रिएट करें कि आप जल्दी से टेस्ट करें ताकि एडमिशन रेट कम हो, जल्दी से इलाज हो और जल्दी रिकवरी हो। जिनका बूस्टर डोज है वो हम लोग कॉल करके बताते हैं उनको कि आप लीजिए करके। एंड मांग रहे हैं लोग, क्योंकि सिर्फ 15% लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। नहीं नहीं, मांग रहे हैं, सामने से भी रिक्वेस्ट आती है, कॉल आते हैं, मुझे लेना है, कहाँ जाऊँ, कहाँ मिलेगा, ऐसे क्वेरीज आते हैं, वॉर रूम से उन्हें पूरा गाइडेंस मिलता है। 10 दिनों के भीतर देश में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हुआ है, वहीं एक्टिव मामलों में करीब 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को देश में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए। 2 अप्रैल को 3,824 मामले रिपोर्ट हुए थे,
6 अप्रैल तक वो बढ़ते बढ़ते 5,335 पर पहुंचे हैं, यानी 5 दिनों में ही 40% का उछाल। अभी जो वेरिएंट है इतना लीथल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल एडमिशन जैसा आपने देखा दिल्ली बॉम्बे और जगह बढ़ गए हैं, बट हाँ फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी ऐसी नहीं है। जो अभी वेरिएंट है XBB.1.16, ये वेरिएंट बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, बहुत इन्फेक्टिव है। ज्यादातर मरीज कम लक्षण वाले ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में बीते 16 दिनों में 23 कोविड मरीजों की मौत और मुंबई में 50% कोविड मरीजों का ऑक्सीजन सपोर्ट पर होना ये जाहिर करता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली से परिमल कुमार और मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला किया है, अब बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा माना जाएगा, इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले महीने अहमदनगर में बेमौसम बारिश ने नेपती गांव में रहने वाले वाजिद सैयद की 1 एकड़ में लगी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। बेमौसम बारिश से वाजिद सैयद को करीब 45,000 का नुकसान हुआ। पूरी तरह से तैयार हुई गेहूं की फसल अब बर्बाद हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी फसलों का भी नुकसान हुआ है। प्याज ने पहले ही किसानों को रुलाया है, आम की फसल पर भी असर पड़ा है। आखिर किसान क्या करे? हमारी मांग है कि सरकार किसानों को कुछ राहत दे। नाशिक के चांदवड तालुका के किसान सुधाकर कुंभाडे ने 2 एकड़ खेत में प्याज लगाई, लेकिन भारी बारिश के कारण इन्हें 80,000 का नुकसान हुआ। सरकार की ओर से पंचनामा होने के बावजूद मिला कुछ नहीं। पिछले महीने में जो बारिश हुई, उस बारिश के वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने इस प्याज का बीज 50,000 का लिया था, मैंने उसकी मजूरी, उसका खाद, ऐसा करके सब मिला के मेरा 80,000 रुपया खर्च हुआ था। मैं ये देख रहा हूँ, ये मेरा सब खेत ऐसा ही बिगड़ गया कि वो बारिश की ओले गिरे, वो ओले में मेरी पूरी बर्बादी हो गई। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश ने हजारों हेक्टर फसल बर्बाद कर दी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। दिसंबर महीने में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया कि कम से कम 5 दिनों तक 10 मिलीमीटर की लगातार बारिश और 33% से अधिक फसल के नुकसान वाले किसानों को सहायता दी जाएगी, और नुकसान 33% से अधिक है तो प्रभावित क्षेत्र के निर्धारित दर पर इनपुट सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाएगी। नुकसान झालेला शेतकरी 33% पेक्षा जास्त नुकसान झालेला 33% से ज्यादा फसल खराब होने पर किसानों की मदद की जाएगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि सही तरीके से खेतों का पंचनामा किया जाएगा। पिछले साल करीब 3100 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई है, ये पंचनामा से पता चला है। इन किसानों को राहत देने के लिए भी सरकार की ओर से योजना बनाई जा रही है। किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च निकालने वाले किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उससे परेशानी बढ़ने का अंदेशा भी किसान नेताओं को है। पिछले 10 साल में जो एवरेज रेनफॉल है उससे 50% ज्यादा अगर बारिश हुई है तो ही ये मुआवजा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो वेजिटेटिव इंडेक्स है, वनस्पति या फसलें जो है उसकी जो स्थिति का निर्देशांक है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसके बाद इन तीनों क्राइटेरियो में अगर वो बैठता है तो ही मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय हुआ है, मुझे लगता है कि इससे जटिलता बढ़ेगी, किसानों को मुआवजा देने में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेगी। सरकार की ओर से राहत दिए जाने के बड़े बड़े ऐलान जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को पहुंचने में बड़े पैमाने पर देरी होती है। पिछले महीने हुए भारी बारिश के बाद अब भी कई जगहों पर सरकारी अधिकारी पंचनामा करने तक नहीं पहुंचे हैं, और बड़े पैमाने पर जो किसान हैं वो सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। नासिक से किशोर बेलसरे, अहमदनगर से सागर दुस्सल और मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के एस ईश्वरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल के परिवार ने बेंगलुरु की एक अदालत में मामले की दोबारा जांच करने की अपील की है। आपको बता दें कि CID ने ईश्वरप्पा को
क्लीन चिट दी थी। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल का परिवार बेंगलुरु की एक अदालत में न्याय की गुहार लगाने आया है। उनकी पत्नी, बूढ़ी माँ और परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। हम दोबारा जांच चाहते हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल ने पिछले साल अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। तब के पंचायती राज मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वर अप्पा और इनके सहयोगियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। बिल क्लियर करने के लिए 40% कमीशन मांगने के आरोप के साथ ईश्वर अप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब परिवार ने पुलिस की जांच के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। संतोष पाटिल की आत्महत्या और आरोपों की जांच सीआईडी ने की और ईश्वर अप्पा को क्लीन चिट दे दी। इसके फौरन बाद दोबारा मंत्री बनाए जाने के लिए ईश्वर अप्पा बीजेपी पर दबाव बनाने लगे थे। अपराध दिन मुक्तवादंत व्यक्ति जिसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो उसको दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? मेरे मामले में मुझे क्लीन चिट दी गई है। क्लीन चिट बंदा है। ईश्वर अप्पा ओबीसी नेता है, 75 साल के हैं। ऐसे में उम्र की वजह से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे थे। बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है और इससे ठीक पहले ईश्वर अप्पा को क्लीन चिट देने वाली पुलिस की बी रिपोर्ट को इस अदालत में चुनौती दी गई है। इससे ईश्वर अप्पा की मुश्किल तो बढ़ी गई है, साथ साथ बीजेपी की भी, क्योंकि ईश्वर अप्पा को पुलिस ने भ्रष्टाचार के साथ साथ आत्महत्या के मामले में क्लीन चिट दी थी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लॉरेंस बिश्नोई पर पूछे गए सवाल पर सलमान खान ने क्या कहा। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। आपको दिखाते हैं अंडमान की जमीन पर किस तरह से शत्रुजीत ब्रिगेड ने लगाई छलांग। भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने बुधवार को अंडमान और निकोबार कमांड की ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सेनाओं के साथ मेजर मल्टी डोमेन अभ्यास में हिस्सा लिया। नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड फोर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का भी आयोजन हुआ। इस संयुक्त सेना अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त युद्ध लड़ने की क्षमताओं और परिचालन तालमेल को ठीक करना है। अंडमान निकोबार कमांड ने कहा है कि संयुक्त बलों ने जमीन, पानी में लैंडिंग, एयर लैंडेड ऑप्स, हेलीबॉर्न ऑप्स और विशेष बलों को शामिल करते हुए मल्टी डोमेन अभ्यास किए। और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भारत में हैं और अपनी बेटी के साथ वो सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। Thank you.